Assalamualaikum dear student, this is the 6th lecture of S and P-Block element और इस lecture में हम पढ़ने जा रहे हैं chemical reactions of the period 3 elements। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हम पढ़ेंगे इस period 3 के elements का reaction with water। ठीक है, उसके बाद हम study करेंगे about oxygen and then chlorine। So reaction of period 3 elements with वाटर कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले जो एलिमेंट है दैट इज सोडियम इन पीरियड 3। सो सोडियम हैज अ वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद कोल्ड वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन एंड कलरलेस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है या जिसके अंदर हीट एनर्जी रिलीज होती है। कि जब सोडियम मेटल जो है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो हमारे पास प्रोडक्शन किस चीज की होती है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की। ठीक है, NaOH इज नोन एज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब कभी सोडियम मेटल और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में जो है हाइड्रोजन गैस निकल जाती है विच इज अ कलरलेस गैस। और सोल्यूशन जो हमारे पास बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज आल्सो अ कलरलेस सोल्यूशन। इसके बाद हमारे पास है सेकेंड एलिमेंट, ये सेकेंड मेटल दैट इज मैग्नीशियम ऑफ पीरियड 3। अगर हम इसकी बात करते हैं तो मैग्नीशियम हैज अ वेरी स्लाइट रिएक्शन विद कोल्ड वाटर। ठीक है, जब हम ठंडे पानी के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम का तो बहुत ही स्लाइटली रिएक्ट करता है, बहुत कम रिएक्ट करता है, बट बर्न इन स्टीम। लेकिन जब हम स्टीम में इसके रिएक्शन करवाते हैं तो फिर क्या होती है, इसकी बर्निंग होती है। स्टीम क्या होता है, स्टीम हमारे पास वाटर के वेपर्स होते हैं। ठीक है, वाटर के जो वेपर्स बनते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टीम। अगर ये क्लीन कोयल ऑफ मैग्नीशियम ड्रॉप्ड इनटू वाटर इवेंचुअली गेट्स कवर्ड इन स्मॉल बबल्स ऑफ हाइड्रोजन विच फ्लोट इट टू द सर्फेस। ठीक है, अभी अगर आप एक कॉयल लेते हो मैग्नीशियम का और उसको डाल देते हो पानी के अंदर। ठीक है, आप बीकर ले लें। ठीक है, इस तरह बीकर ले लें और बीकर के अंदर आप क्या डाल दो, कुछ थोड़ा सा आप कॉयल लेके मैग्नीशियम का वो इसके अंदर प्लेस कर दो। आप थोड़ी देर के बाद देखोगे कि आपके पास ये जो कॉयल है इसके ऊपर ऐसी बबलिंग हो जाती है। ठीक है, ये सारा के सारा ऐसे बबल्स से कवर हो जाता है। अब ये बबल जो है ये किस चीज की है, ये आपके पास है हाइड्रोजन की। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड एज अ वेरी थिन लेयर ऑन द मैग्नीशियम एंड दिस टेंड टू स्टॉप द रिएक्शन। अब थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि हमारे पास ये जो एक लेयर सी बन जाती है मैग्नीशियम के ऊपर और वो लेयर किस चीज की होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, MgOH2। ये जो आपको नजर आ रहा है दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी एक लेयर सी बन जाती है, कोटिंग सी हो जाती है और उसके बाद जो है फर्दर रिएक्शन नहीं होता और वो रिएक्शन वहां पे क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। सो आप इसकी केमिकल रिएक्शन में भी देख सकते हैं जो कि गिवन है कि जब मैग्नीशियम मेटल Mg इज मैग्नीशियम मेटल व्हेन इट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर सो इट विल गिव यू मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम बर्न इन स्टीम विद इट्स टिपिकल वाइट फ्लेम। ठीक है, जब कभी बर्निंग होती है मैग्नीशियम की इन द प्रेजेंस ऑफ स्टीम या वाटर वेपर तो वो फ्लेम कौन सा देता है, इट गिव्स यू वाइट फ्लेम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। टू प्रोड्यूस्ड वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। ठीक है, जब अब हम बात करते हैं इसकी कोल्ड वाटर के साथ हमारे पास इसका फ्लेम जो होता है वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है और हमारे पास ये प्रोडक्शन किस चीज की करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपके पास है मैग्नीशियम और ये क्या है, वाटर है। ठीक है, ये स्टीम की फॉर्म में है। अब स्टीम की फॉर्म में जो है ये क्या चीज प्रोड्यूस कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये जो MgO है दिस इज नॉन एज मैग्नीशियम ऑक्साइड और H2 जो है ये हमारे पास क्या है, दिस इज हाइड्रोजन गैस। ये जो ऊपर रिएक्शन गिवन है ये जो है एक्चुअली इट टेक्स प्लेस इन कोल्ड वाटर। ठीक है, कोल्ड वाटर की फॉर्म में मैग्नीशियम क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं स्टीम की प्रेजेंस में, वाटर वेपर्स की प्रेजेंस में, तो अब ये क्या, यहाँ पे किस चीज की प्रोडक्शन होगी, यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन होगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट ऑफ पीरियड थ्री, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम पाउडर हीटेड इन स्टीम प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे जब हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट करवाते हैं स्टीम के साथ, ठीक है, वाटर वेपर्स के साथ, या जब आप वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है ना, जब आप उसको बॉयल करते हो तो वो क्या होता है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है और उससे धुआं सा निकल रहा होता है, उस धुएं को आप क्या कहते हो, स्टीम कहते हो। जब आप एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाते हो स्टीम के साथ, आपके पास प्रोडक्शन किस चीज की होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस। The reaction is relatively slow because the strong aluminum oxide layer on the metal and the build up even more oxide during the reaction. अब होता क्या है कि ये रिएक्शन जो होता है ये काफी स्लो होता है, ठीक है, दिस इज रिलेटिवली स्लो। उसकी वजह क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होती है उसकी कोटिंग हो जाती है ऊपर से, एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग हो जाती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जो कि फर्दर रिएक्शन को होने से रोकती है। अब ये जो Al2O3 है दिस इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और आपने पढ़ा होगा कि इसको हम एल्यूमिना भी बोलते हैं, ठीक है, इसको कॉमनली एल्यूमिना भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास एलिमेंट्स हैं पीरियड थ्री के वो हैं फास्फोरस और सल्फर। अगर हम इनके रिएक्शंस की बात करते हैं विद वाटर तो इसमें क्या लिखता है कि दे हैव नो रिएक्शन विद वाटर, कि जब आप फास्फोरस या सल्फर को रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो उनके बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अगर आप क्लोरीन की बात करते हो तो क्लोरीन डिसॉल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट टू गिव ग्रीन सोल्यूशन, ठीक है। अब क्लोरीन जो है इसको अगर आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हो तो आपके पास एक ग्रीन कलर का सोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। अ रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड क्लोरस वन एसिड। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये क्या है, दिस इज क्लोरीन। व्हेन क्लोरीन इज रिएक्टेड विद वाटर तो आपके पास क्या होता है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। ये जो आपके पास सिंबल है, ठीक है, जिसमें ये जो सिंबल है दिस सिंबल्स एक्चुअली रिप्रेजेंट दैट दिस रिएक्शन, दिस केमिकल रिएक्शन इज रिवर्सिबल। सो जब कभी क्लोरीन और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं सो आपके पास बनता है क्या है, आपके पास बनेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दिस इज HCl, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हमारे पास सेकंड प्रोडक्ट जो बन रहा है दिस इज HOCl, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज हाइपोक्लोरस एसिड या इट इज आल्सो नोन एज क्लोरस वन एसिड। अब यही हाइपोक्लोरस एसिड जो है इसको अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो होता क्या है कि इट स्लोली डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर यही हमारे पास जो क्लोरिक वन एसिड है इसको हम धूप में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं तो हमारे पास मजीद इससे किस चीज की फॉर्मेशन होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और साथ में हमारे पास क्या कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस। एंड यू मे कम अक्रॉस एन इक्वेशन शोइंग द ओवरऑल चेंज, ठीक है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इक्वेशन के अंदर कि क्लोरीन को जब हम इनिशियली रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन होने के बाद हमारे पास प्रोडक्शन किस चीज की होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और हाइपोक्लोरस एसिड की। अब आगे आपके पास लिखता है ना कि हाइपोक्लोरिक एसिड जो है, हाइपोक्लोरस एसिड, ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस मोर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अलार्म विथ ऑक्सीजन। अभी ओवरऑल रिएक्शन की बात कर रहा है तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन दे प्रोड्यूस 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड along with the liberation of oxygen gas। So ये आपके पास क्या है, इसकी overall reaction के बारे में आपको बता रहा है। इसके बाद जो last element है of period 3 that is argon। argon की अगर हम बात करते हैं so there is no reaction between argon and water। So next video में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे about reaction with oxygen के जो हमारे पास elements हैं पीरियड 3 के, उनका ऑक्सीजन के साथ क्या रिएक्शन होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।